आज जिस समय की ओर, जिस दिशा की ओर, जिस दशा की ओर एक एक श्वास पांव पलक का गम नहीं करे काल को साज, काल अचानक मारी है ज्यो तीतर को बाज। जिस अवसर के पुण्य स्मृति में पंच तत्व विलीन श्रद्धेया माँ तारा देवी के पावन स्मृति में शोक संतप्त परिवार, मां सृष्टि और प्रकृति का एक ऐसा शब्द है जिसका पर्यायवाची बना ही नहीं, मां का कोई दूसरा रूप नहीं होता है, मां मां होती है। साहित्य में भी मां का कोई पर्यायवाची नहीं, जब होगा तो तद्भव होगा, तत्सम होगा, तत् नहीं होगा। मां एक पीड़ा है, अंतर मन का एहसास है, अनुभव। पिता और समस्त परिवार, समस्त संबंधी, समस्त समाज, विश्व के जितने आबाल वृद्ध हैं सब संवेदना है। माँ एक वेदना है, माँ एक पीड़ा है, माँ एक दर्द है, माँ एक एहसास है। माँ सृष्टि का एक वो शब्द है कि जिसका कोई दूसरा रूप नहीं बना। बंधुओं, जाही को सरला गई सो जाने का पीर, वेदना उसको होती है जिसे तीर चुभता है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, और दूसरा देखने वाला केवल उसके प्रति संवेदना व्यक्त कर सकता है। लेकिन मां और उसकी औलाद का वो अन्योन्याश्रय संबंध होता है जिसे केवल महसूस किया जाता है, अनुभव। आज कारण में विलीन पंचतत्व मां तारा का कार्य रूप में जो शरीर दिखता है ये स्थूल है, और सारे चारों तत्व अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। उस दिन क्या होता है, इस धराधाम से शरीर नहीं दिखता है, उनके शुभ अशुभ किए हुए कर्म शेष रह जाते हैं, संस्कार के रूप में, स्मरण के रूप में और प्रतीक के रूप में। अब उनका केवल चित्र देखेंगे, सिर्फ चित्र रह गया, और चरित्र उनके अब इस वायुमंडल में जैसे टेलीपैथी होती है ना, यहां पर मोबाइल का नंबर डायल कीजिए और दुनिया के किसी कोने में होता है, वहां रिंग हो जाती है, बात हो जाती है, दिखता कुछ नहीं है, लेकिन वो तरंगे जो हैं सूक्ष्म, उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो विस्फोटित होते हैं और उस जगह पर जाकर आघात करते हैं जिस नंबर को डायल करना चाहते हो। ये तो एक उदाहरण के रूप में हुआ, लेकिन तरंगों को कोई आज तक दुनिया का वैज्ञानिक देख नहीं पाया। इसी तरह से जब मां के हृदय में एक कंपन होती है, धड़कन होती है, एक ममता की तरंगें उठती हैं, तो दुनिया के किसी कोने में पुत्र होता है मां को पता चल जाता है। लेकिन मां को संबंध विच्छेद के लिए होता है, संयोग संबंध वियोग के लिए होता है, और एक संयोग हुआ कि मां तारा आज मेरे बीच में नहीं है, किंतु उनकी स्मृतियां शेष रह गई हैं।
अब वेदना और संवेदना, माँ तारा अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए शेष कार्यों को पूरा करने के लिए दो पुत्र रत्न छोड़कर गई हैं। माँ तारा, बड़ा बेटा गजेंद्र, श्री गजेंद्र मंडल है कि नहीं इसमें गजेंद्र बाबू जी, और उनके अनुज डॉक्टर अशोक मंडल। सीता जी के विषय में कहा गया लक्षणार्थ में उन्होंने निवेदन किया, अशोक वाटिका में न बैठी थी। और मां सीता बैठे बैठे चिंतन कर रही थी कि नाम पाहरु दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट। पाहरु माने पहरा, चौकीदार। नाम पाहरु दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, और निज पद लोचन यंत्रिका प्राण जाए कही पाट। मैं प्राण भी त्यागना चाहता हूं राम, तो त्याग नहीं पाती हूं। ये सारी बाधाएं मेरे अंतस में पड़ी हुई हैं। और अशोक से कहती हैं कि विनती सुनु मम बिटप अशोका। अब तू अपने नाम की सार्थकता को तो सार्थक कर। तेरा नाम अशोक है और शोक संतप्त में तेरे नीचे बैठी हूं, तो हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, ये भाव की विरलतम चरम सीमा है कि विह्वलता का क्षण जिसे वेधता है वाण, पीड़ा उसे होती है। तो मां एक पीड़ा है और बाहर से देखने वाला व्यक्ति पीड़ा नहीं हो सकता है, वो केवल संवेदना व्यक्त कर सकता है। आज अपने उन सूक्ष्मतम प्रकृति और पुरुष के संयोग से संतति की उत्पत्ति होती है। मां का कोई पर्यायवाची नहीं बनता है। मां प्रकृति और सृष्टि की वो सत्य भूमिका है। एक किसी सदगृहस्थ धर्मपरायण माता को पहली संतान हुई और वो पुत्री उसकी थोड़ी बड़ी हो गई थी। दोबारा गर्भधारण जब माँ ने किया और वो समय आया कि जब दूसरा जन्म बच्चे का होने वाला क्षण आया, तो आज तो हॉस्पिटल और सबकी व्यवस्था ज़्यादा हो गई है, पहले नहीं थी। कोसों, कल्पना करो कि 30 साल 40 साल पहले इतवादी में कुछ हो जाता तो इधर कोशी हैं, इधर रोड कितना दूर था, और धूल और कठिन और दुरूह रास्ता को पार करना, वो भी पैदल, कोई सवारी थी? बहुत ज्यादा सवारी मिलती थी तो घोड़ा गाड़ी, अब बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी, इतना द्वार द्वार पे ना रोड था ना टेम्पू था। और वो माँ जब तड़पती थी, गांव की ही धाये माए आती थी जो प्रसव करवाती थी माताओं का, सारी रात पूरे मोहल्ले में जैसे किसी सुगर को बांधते हैं तो चिल्लाता है वो, इसी तरह से माए तड़पती थी उस संतति को जन्म देने में। पहली वाली बेटी बार बार माँ के कक्ष में चली जाए और गले से लग करके, उस समय तो माँ को असह्य वेदना थी, तो बार बार पूछती थी माँ से कि माँ तू क्यों रोती है। अब अगर उस अबोध बच्चे को माँ बता भी देती तो वो समझ नहीं पाती। उसने कहा बच्चे को ले जाओ बाहर। बेटी बड़ी होती है, अपने वय में आती है, शिक्षा दीक्षा जो भी मिली, मिलने के पश्चात शादी होती है, ससुराल जाती है, तमाम दुनिया की व्यवस्थाओं से गुजरती हुई जब प्रथम गर्भधारण उसकी बेटी को होता है और समय आता है
उस संतति को जन्म देने का, तो माँ बेटी को मायके बुला लेती है। वो क्षण भी आया जब उसे यीशु होने का समय आया, और पीड़ा जब हुई तो माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तेरा बचपन वाला प्रश्न जो था कि तू क्यों रो रही है माँ, वो यही दर्द मुझको था बेटा जो तुम्हें हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति वेदना को महसूस तब करेगा कि जब उस मंजिल से गुजर जाएगा। लक्षणार्थ में कहा गया कि जाके पाँव न जाए बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। वेदना महसूस करने की चीज है, एहसास करने की चीज है, संवेदना देखने की चीज है दूर से। तो माँ सृष्टि की वो अनुत्तम वस्तु है कि जिसका कोई पर्यायवाची बना ही नहीं। बंधुओं, आज माँ तारा नहीं है, लेकिन उस औलाद को जो उनकी गोद में पला है, जो उसके गर्भ से जन्म पाया है, उनके अंतस में मां के हृदय की कंपन और पुत्र के हृदय का उसकी संवेदना और धड़कन जब एकाकार होती है मां अपने वक्ष से लगाकर अपनी औलाद को प्यार से बेटा कहती है, और गोद में पड़ा हुआ बच्चा जब मां कहता है तो मां का कलेजा फूल करके हिमालय पहाड़ की तरह हो जाता है। बंधुओं, आज उस शोक संतप्त परिवार को और उन दो पुत्र रत्नों को, भाई गजेंद्र और भाई अशोक को, भाव पूर्ण अपनी संवेदना, अपनी शुभाकांक्षा और उनके धैर्य को रखने की मंगल कामना करते हुए अब कुछ क्षण और विचार कर लें।